मध्य प्रदेश में मंत्री ने स्कूलों को लेकर एक ऐसा फरमान सुनाया है जिस पर विवाद होना तय है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह ने स्कूलों में छात्रों को यस सर और यस मैडम की जगह जय हिंद सर और जय हिंद मैडम बोलने का फरमान जारी कर दिया है। मोहन यादव के मंत्री ने कहा है कि ऐसा बोलने से हमें गर्व की अनुभूति होगी और देशभक्ति का प्रेम हमारे अंदर बढ़ेगा। दरअसल मंत्री विजय शाह को रतलाम जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है और प्रभारी मंत्री बनने के बाद ही बुधवार को वो पहली बार रतलाम पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि स्कूल में बच्चे अब यस सर और यस मैडम नहीं बोलेंगे, बल्कि इसकी जगह उन्हें जय हिंद सर और जय हिंद मैडम बोलना होगा। यस मैडम, यस सर नहीं, जय हिंद सर, जय मैडम। और जब जय हिंद बोलेगा तो हाथ उसका खड़ा होना चाहिए। देशभक्ति का जय हिंद बोलते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है और देशभक्ति का प्रेम बढ़ता है। आने वाली भविष्य की पीढ़ी जब भी पढ़ाई करेगी, स्कूल प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो, हमारे उपस्थिति में अगर रतलाम जिले में जय हिंद नहीं बोला अधिकारी मत करेगा भाई। जय हिंद सर जय हिंद मैडम वाला बयान देने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने मीडिया से भी कहा कि रिकॉर्ड मत करो, लेकिन कुछ देर बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अपना बयान दोहराया और कहा कि हर स्कूल में जय हिंद बोला जाएगा, ऐसा बोलने से देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बयान नहीं देते हैं, आदेश देते हैं। जय हिंद बोले, जय हिंद बोलने से देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। यस मैडम यस सर से क्या होता है, वो आदेश हमने जारी कर दिए हैं, कॉपी आपको निकलवा लीजिए। छठवीं से बारहवीं तक के स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट के हो, जनगणमन अनिवार्य होगा, झंडा वंदन होगा, बच्चे रोटेशन में बैठेंगे, ये आदेश हमने कर दिए हैं। उसका सख्ती से पालन क्लर्क साहब की जवाबदारी कराने की। पहली से पांचवीं तक झंडा वंदन की अनिवार्यता को हम बात कर रहे हैं, लेकिन रोटेशन और जय हिंद तो पहली क्लास से भी होगा, उसकी आप चिंता कर लें। हम बयान नहीं देते हैं, हम आदेश देते हैं।